उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। अगर बात गाजीपुर की करें तो आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में सदर कोतवाली के रजतेपुर देहाती की सड़क से लगे हुए एक प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। ये प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की पत्नी अक्षरा अंसारी के नाम थी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेह उल्लापुर गांव सभी में कुर्की की कार्रवाई की गई। दोनों संपत्तियों की अगर बात करें तो इनकी अनुमानित कीमत 6,30,00,000 बताई जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की 6.5 करोड़ की 2 भू संपत्ति को शनिवार को पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया। पुलिस अधीक्षक रोहन बी बोत्रे कुर्की के दौरान मौजूद रहे और कार्रवाई को खुद लीड किया। पुलिस अधीक्षक रोहन बी पोत्रे ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ चल रही ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हो, लगातार माफियाओं के खिलाफ जनपद गाजीपुर में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग माफियाओं की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्तीकरण उसका किया गया है। आज हम लोग रजदेपुर देहाती में हैं और यहाँ पे लगभग 0.4 हेक्टेयर मुख्तार अंसारी की ज़मीन जो है उसको कुर्क किया गया है। इसी के साथ साथ आज ग्राम फतेहउल्लापुर में भी लगभग 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन, इन दोनों ज़मीनों की कीमत आज की तारीख में लगभग 6,30,00,000 रुपए के करीब मार्केट वैल्यू है उसकी। ये ज़मीनों को जो है वो कुर्क किया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी अपने स्वजन और करीबियों पर अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस और प्रशासन की टीम चिन्हित कर लगातार कुर्की की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मोहम्मदाबाद कोतवाली के दर्जी टोला में रहने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस समय चौतरफा कार्रवाई चल रही है। लगातार पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और भी क्या मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों की संपत्ति कुर्क की जाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।